नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक लेडीज के लिए है स्पेशली, जो कि स्तनों को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लेडीज के लिए खासतौर से ये आज का टॉपिक है, लेडीज इस पे ध्यान दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री की सुंदरता को बनाए रखने में उसके वक्ष स्थल का या स्तनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और यदि ढीले और कमजोर स्तन है तो वो शारीरिक सौंदर्य को कम करते हैं, और ये इसी जगह पर यदि स्तन आकर्षक, पुष्ट और प्राकृतिक रूप से सुडौल हैं तो वो नारी की सौंदर्यता को और चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जरूरी है कि लेडीज जो है इन्हें बहुत ध्यान देना होता है। अश्वगंध और शतावरी को बारीक पीसकर एक चूर्ण बनाया जा सकता है दोस्तों। तो आप अश्वगंध और शतावरी लेकर के इसको बारीक पीसकर एक चूर्ण बनाएं और 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ खाकर ऊपर से दूध में मिश्री को मिलाकर पीने से स्तन आकर्षक हो जाते हैं। कमलगट्टे की गिरी यानी बीज के भाग को पीसकर पाउडर बनाकर दही के साथ मिलाकर प्रतिदिन एक खुराक के रूप में सेवन करने से स्तन के आकार में सुधार आता है और सुडौल हो जाते हैं। और कमल के बीजों को पीसकर 2 चम्मच की मात्रा में थोड़ी मिश्री मिलाकर बराबर रूप से 4-6 हफ्ते तक सेवन करने से स्तन कस जाते हैं और कठोर बन जाते हैं। जैतून के तेल की स्तनों पर धीरे धीरे मालिश करने से स्तनों की सुंदरता बढ़ती है। गंभारी की 2 किलोग्राम छाल को पीसकर 16 लीटर पानी में चतुर्थांश काढ़ा बना लें। गंभारी की 250 ग्राम छाल को पानी के साथ पीसकर चटनी बना लें। गंभारी के कल्क यानी लई और काढ़े में 1 लीटर तिल का तेल मिलाकर रख लें। इस तेल को रुई में भिगोकर स्तनों पर रखने से ढीले और लटके हुए स्तन टाइट और सुंदर हो जाते हैं। मुनक्का 50 ग्राम को पीसकर चूर्ण बना लें। फिर तज 3 ग्राम, तेजपात 3 ग्राम, नगरमोथा 3 ग्राम, सूखा पुदीना 3 ग्राम, पीपल 3 ग्राम, खुरासनी अजवाइन 3 ग्राम, छोटी इलायची 3 ग्राम, तहसील के पत्ते 5 ग्राम, वंश लोचन 5 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, खेतचंद 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, सफेद जीरा 7 ग्राम, बिनौला की गिरी 13 ग्राम, लौंग 13 ग्राम, सूखा धनिया 13 ग्राम, पीपल की जड़ 13 ग्राम, किरनी के बीज 45 ग्राम, बादाम की गिरी 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, सुपारी 1 किलो, शहद और चीनी 1-1 किलो और गाय का देसी घी 1/2 किलो लें। इसके बाद 50 ग्राम पिसा हुआ मुनक्का और सुपारी चूर्ण को गाय के देसी घी में मिलाकर धीमी आग पर भूनें। चीनी और शहद को छोड़कर सभी पदार्थों को डाल दें। इसके बाद चीनी और शहद की चाशनी बनाकर मिला लें। फिर उसके बाद सभी चीजों को अच्छी तरह से पकाकर उतार कर ठंडा करके सुबह शाम पिलाने से नारी के स्तनों की सौंदर्यता बढ़ती है और योनि की बीमारियों का नाश होता है। इससे योनि टाइट भी हो जाती है। तो बहुत ही आसान सा प्रयोग है, आप ये करके देखें। आपको भगवान ने चाहा तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी और कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद में बहुत ही सरलता से हम कई समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। और तो अक्सर सामान हमारे किचन में ही पड़ा होता है, हमारे गार्डन में ही अवेलेबल होता है, लेकिन हमें उन चीजों के गुणों के बारे में पता ही नहीं होता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।